क्वेश्चन ये किया था कि मशरूत हलाला करना कैसा है कि अगर कोई किसी खातून को शोहर 3 तलाक़ें दे दें तो दोबारा उस शोहर के पास जाने के लिए यकीनन दूसरे शख्स से निकाह करना होगा और बाकायदा जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम होगा। तो अब ये कहते हैं कि अगर कोई यूँ कंडीशन लगाए दूसरे शख्स से निकाह करते हुए कि देखें तुम्हें बाद में तलाक दे देनी होगी, इस शर्त पर हम निकाह कर रहे हैं, और वो यस कर दे और फिर इनकी निकाह हो जाए और ताल्लुक़ जिस्मानी भी कायम हो, तो क्या ये हलाला सही है और वो औरत इसकी तलाक देने के बाद इद्दत गुजारने के बाद पहले शोहर के लिए हलाल होगी या नहीं। और एक उन्होंने कहा है कि बाज़ लोगों ने हलाला सेंटर्स खोल लिए हैं और उसमें बाकायदा दावत देते हैं कि हलाला करना हो तो इधर आ जाएं, क्या हुक्म शरा होगा। देखें, पहली बात तो ये कि बाज़ लोग हलाला को ग़लत मफहूम में ले जाते हैं और उसको मशरूत का ही तसव्वुर देने की कोशिश करते हैं, हालांकि हलाला दरअसल एक तरीक़ेकार का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है कि जिससे गुज़रकर औरत अपने पहले शोहर के लिए हलाल होती है, और उस सूरत में कि जबकि शोहर उसको 3 तलाक़ें दे चुका होता है। 3 तलाक़ें देने के बाद दूसरे शोहर से निकाह और उसके बाद ताल्लुक़ जिस्मानी से पहले ये औरत पहले शोहर के लिए कभी हलाल नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तन्किहा ज़ौजन ग़ैरा, कि फिर अगर ये शोहर अपनी बीवी को 3री तलाक दे दे तो ये औरत पहले शोहर के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक कि उसके अलावा किसी और शख्स से निकाह ना कर ले। और ये बुखारी की रिवायत मौजूद है कि एक खातून ने जिनके शोहर ने उनको 3 तलाक़ें दी थी, फिर उन्होंने एक और शख्स से निकाह किया और अभी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम ना हुआ था कि उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत हाल है और मैं चाहती हूँ कि अपने शोहर की तरफ लौट जाऊँ, पहले शोहर की तरफ। सरकार ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने दूसरे शोहर का और वो तुम्हारा कुछ शहद ना चख ले। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और शर्म की वजह से किनाया लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुराद यही था कि जब तक ताल्लुक़ जिस्मानी कायम ना होगा पहले शोहर के लिए हिल्लत पैदा नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह कि हलाला फी नफ्सी कोई गंदी या बुरी शय नहीं है, बाकायदा औरत एक शख्स से निकाह करती है, गवाहों की मौजूदगी में है, फिर वो शख्स अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक देता है, फिर वो पहले शख्स के पास आती है, लेकिन इसको मशरूत करना गलत होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर अल्लाह की लानत होती है। इस ये एक हदीस है, मुहल्लिल हलाला करने वाला, मुहल्लल लहू जिसके लिए हलाला किया जाए, यानी अगर शोहर किसी शख्स से कहे यार तुम हलाला कर दो, मेरी बीवी मेरे लिए हलाल हो जाए, वो कहे चलो ठीक है, और मशरूत देखो तुम बस फौरन तलाक दे देना, वो कहते ठीक है। तो उलमाए किराम ने इस हदीस के दो महमल रखे हैं, दो मफहूम रखे हैं कि ये कब अल्लाह की लानत नाजिल होती है। एक यही कि शर्त ठहरा लिया जाए कि जैसे ही तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक होगा इसके बाद तुम तलाक दे दोगे, या दूसरा पैसे लिए जाएँ कि कोई शख्स कहे कि मैं हलाला कर देता हूँ लेकिन मुझे इतने इतने पैसे दे दो मैं हलाला कर दूंगा, तो उजरत लेकर किया जाए या मशरूत ठहरा लिया जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर कोई मशरूत ठहरा कर या उजरत के साथ भी हलाला करे तो क्या पहले शोहर के लिए हिल्लत साबित होगी कि नहीं होगी। तो फुकाहे किराम ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हिल्लत तो इस सूरत में भी साबित हो जाएगी, लेकिन ये शर्त ठहराना या उजरत लेना उजरत देना ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के नज़दीक नज़दीक है। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि फेल बज़ाहिर हराम होता है लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल तय्यब और हलाल होता है। जैसे खुदा ना खास्ता कोई वादे सूद पर कर्ज़ा ले ले और वादे सूद पर कर्ज़ा लेने के बाद उससे कोई जायज़ कारोबार करे और उससे जो नफ़ा हासिल होगा वो इसके लिए तय्यब और हलाल होगा। अगरचे ये प्रोसेस इसका हराम था कि इसने ये वादा किया कि तुम मुझे कर्ज़ा दे दो मैं इस पर इतने इतना तुम्हें खामखा प्रॉफिट दे दूँगा, तो ये कर्ज़ के ऊपर जो भी प्रॉफिट लिया जाए वो सूद होता है। तो वादे सूद का ये अमल हराम ज़रूर है लेकिन इससे जायज़ कारोबार से हासिल होने वाले हलाल और तय्यब नफ़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खुलासे कलाम ये है कि मशरूत नहीं होना चाहिए, बग़ैर शर्त के इशारतन किनायतन समझा दिया जाए बस इतना सही है, लेकिन अगर कोई मशरूत भी करेगा तो बहरहाल ये औरत पहले वाले के लिए हलाल हो जाएगी।